डिफ़ॉल्ट ही जो हमारे माइग्रेंट्स वहाँ से यहाँ आते हैं, सो दे हैव दैट थिंग इनसाइड कि यार अगर कुछ खा रहे हैं तो यहीं आगे पीछे फेंक रहे हैं। शायद चंडीगढ़ के अंदर में मेरे को भी 30 साल रहते हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बिल्कुल बल्द से बस्तर हालात बना हुआ है। आप गीला अपना जो गार्बेज है अलग करो, सूखा अलग करो, ये चीज़ें पब्लिक को ध्यान रखनी है। बिकॉज देखो ना, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, वायरसेस फैल रहे हैं, इसी वजह से फैल रहे हैं, क्लीनलीनेस नहीं है तभी फैल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि चंडीगढ़ साफ सफाई के मामले में 16वें नंबर पे था, जो सन 2016 में दूसरे नंबर पे था। फिलहाल अभी पिछले साल भी ये 20वें नंबर पे आके लुढ़क गया, पर अब मामला निकल के सामने आता है कि इतना साफ सुथरा शहर जो कभी टॉप लिस्ट में हुआ करता था, दुनिया में विख्यात है, इसका नाम चलता है कि ग्रीन सिटी साफ सफाई के मामले में है, चंडीगढ़ हर चीज़ में अव्वल नंबर पर है, चंडीगढ़ की जनता जो कितनी ही पढ़ी लिखी है उसके बावजूद चंडीगढ़ अपना नाम जिनके 10 जो टॉपेस्ट लिस्ट हैं उनमें भी नहीं बना पाया। तो आइए हम जानते हैं चंडीगढ़ की जनता से कि क्या वजह थी जिनकी वजह से चंडीगढ़ अभी भी 16वें नंबर पे अटका हुआ है और अपना नाम 10 से नीचे के नंबरों में नहीं बना पाया है। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सन्नी खजूरिया है। सर, ये जो चंडीगढ़ अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें चंडीगढ़ के बारे में बताया गया कि चंडीगढ़ 16वें नंबर पे आया, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, तो क्या वजह है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, ना हम टॉप 10 में भी नहीं आ पा रहे जबकि चंडीगढ़ इतना भौगोलिक रूप से और दो छोटा है, दो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो क्या वजह है, किन कारण, क्या कारण है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जी, मुझे तो लगता है हमें बेसिकली दो मेन फैक्ट्स को ध्यान में रख के जो भी अगला हमें एक्शन लेना है वो वैसा होना चाहिए। नंबर वन कि हमारे यहाँ पे माइग्रेंट्स का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं हमारे, चाहे वो JNK हो गया, हिमाचल हो गया, सो दीज पीपल आर कमिंग हेयर रिपीटेडली, और जो नॉर्म्स वहाँ पे हैं क्लिनिंगनेस के वो यहाँ पे नहीं है, वी आर डूइंग बेटर देन देम, बट सिंस बाई डिफ़ॉल्ट ही जो हमारे माइग्रेंट्स वहाँ से यहाँ आते हैं, सो दे हैव दैट थिंग इनसाइड कि यार अगर कुछ खा रहे हैं तो यहीं आगे पीछे फेंक रहे हैं एक्सेट्रा। तो फर्स्टली हमें एक प्रॉपर जो है उनको इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे आप 17 की बात ले लीजिए, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ अगर कहीं स्पीकर्स लगे हैं हल्का हल्का वहाँ पे रेपिटेशन चल रहा है, या फिर जहाँ पे लोग पार्क कर रहे हैं गाड़ी तो एक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है विच इज़ सेइंग दैट ओके इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दिस सेक्टर रिमेन्स क्लीन। तो वो एक हो गया कि इन्फॉर्मेशन कि हमें चंडीगढ़ वालों को तो मालूम है कि भाई वी आर सपोज टू डू दिस, बट जो बाहर से माइग्रेंट्स हैं दे मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव अबाउट दिस थिंग। और नंबर दो जो आ गया, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है, कोई डेलिब्रेटली उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वेल आई बिलीव मॉनिटरी फाइन्स और ये सब तो आई थिंक हो ही रहे हैं, बट द बेटर थिंग इज़ दैट इफ डेलिब्रेटली कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसको इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दैट मोनिटरी एक्शन हम उसको इन्वॉल्व करें इसी इन्वायरमेंटल और सोशल वर्क में। जैसे सपोज करो किसी ने कहीं पर लिटरिंग की है तो ही शुड बी यू नो रजिस्टर्ड फॉर दैट ऑफेंस, एंड आफ्टर दैट ही शुड बी इनरोल्ड इन ए प्रोग्राम जिसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉज। कोई बंद लोगों ने बताया कि जो फाइन चार्जेज है उसको भी बढ़ा दिया जाए, तो वो किस तरह से ठीक है? यू नो एक्चुअली हमें अगर चंडीगढ़ को वास्तविकता में नंबर वन पे लाना है तो हमें फितरत पे एक्ट करना है। शॉर्ट टर्म पे हम फाइंस वगैरह उनसे ले लेंगे, देगा ना थिंक ओके यार फाइन हो गया, नुकसान हो गया, बट अगर हम उन्हीं बंदों को इनरोल कर रहे हैं, वो अपने दो वीकेंड्स किसी पार्क या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में इन्वायरमेंट की टेक केयर में मैंडेटरी उनसे हम लगवा रहे हैं, तो वो चीज़ उनके जहन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी कि यार मैंने वो गलती की थी और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। विद दैट टाइम इंस्टेड ऑफ पुनिशमेंट देगा ना टेक इट एज ए यू नो कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट। तो हमें जो इस तरह से लिटरिंग या इस तरह सा कोई भी गंदगी वगैरह फैला रहे हैं उनको इन्वॉल्व करवाना है सज़ा के रूप में, मोनिटरी के अलावा उनको इन्वॉल्व करवा के उन्हीं से काम करवा के सोशल वर्क करवाना है। कहना है कि लोगों के दिमाग में सफाई को लेकर हिट करना है कि उनका एक कर्तव्य बने। देखिए यस, बट मेरा यही कहना है कि आप प्रत्यक्ष रूप में एक चीज़ को देख रहे हैं, कह रहे हैं वाह इट्स डूइंग गुड, बट जब आप खुद उस चीज़ को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप बाकियों को भी प्रोत्साहित करेंगे ये सब करने के लिए। फ़ाइन का क्या है, एक बार आपने फ़ाइन दिया सो यू आर
आउट ऑफ द प्लेस, बट जब आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई तुम्हें दो मैंडेटरी जो वीकेंड्स हैं यहाँ पे आके सोशल वर्क करना है, यहाँ पे जो कंसर्न विद क्लीनिंगनेस ओनली, सोशल वर्क इन द सेंस कुछ और नहीं, अगर वो लिटरिंग के रिलेटेड कुछ कर रहा है तो ही इज सपोज टू कंट्रीब्यूट हिज टाइम एंड एफर्ट फॉर द क्लीनिंगनेस ऑफ सम अदर प्लेस. सो आई बिलीव कैट अगर हम ऐसा करेंगे तो वी कैन मेक बेटर एग्जाम्पल्स और मास लेवल पे हम इसको इन्फ्लुएंस करवा के अपने चंडीगढ़ को ऊपर लेवल तक ला सकते हैं. श्री शंकर तिवारी, ये जब से बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस के जब तक यहाँ पर राज थी तब तक तो चंडीगढ़ आपके सामने हर एक तरह सिस्टम ठीक था. वर्तमान में जब से बीजेपी आई और एक इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन की, शायद चंडीगढ़ के अंदर में मेरे को भी 30 साल रहते हो गया, इस जो वर्तमान में चंडीगढ़ के रोडों की स्थिति, सफाइयों की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बिल्कुल बल्द से बस्तर हालात बना हुआ है. चंडीगढ़ की जो सांसद है वो बिल्कुल तरह फेल हो रखी है. चंडीगढ़ की भाजपा शासित नगर निगम भी बिल्कुल तरह फेल हो चुकी है. इनके पास सिर्फ एक ही और एक ही मुद्दा है, टैक्स लगाना. आए दिन ऐसा कोई महीना कोई सप्ताह नहीं है जिसके ऊपर चंडीगढ़ की जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगता. कल आपने देखा होगा, आज भी समाचार पत्रों में है कि आज 26 मंडी के अंदर में एक और टैक्स लगा दिए. तो अगर एक मजदूर गरीब आदमी सुबह से घर से निकलता है और अगर वो 10 जगह 20 जगह जा रहा है तो जो अगर उसकी 200 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी है तो जितनी चंडीगढ़ के अंदर में पार्किंग है वो पार्किंगों के अंतर्गत में ही अपना सारा दिन की कमाई दे देगा. तो जो इन्होंने अच्छे दिन की एक वादा किया था और लोगों से झूठ बोलकर नगर निगम और संसद में वोट लिया था, ये बीजेपी की सरकार बिल्कुल तरह बुरी तरह फेल हो चुकी है. इनके पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है. अब तो चंडीगढ़ की जनता इनसे त्राहिमाम हो चुकी है, दुखी हो चुकी है. चाहे वो सेक्टर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग दुखी हो चुके हैं. अब चंडीगढ़ की जो नगर निगम है उनको आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से हम दोबारा से, अगर आपकी राय में क्या सजेशन रहेंगे कि हम दोबारा से वो पायदान अब ये तो जी जो कॉरपोरेशन नाम था इसका, चंडीगढ़ कॉरपोरेशन, इसका अब नाम कर परेशान हो गया. ये कर चंडीगढ़ की जनता को परेशान करने वाली है. अब ये तो अगर चंडीगढ़ में दोबारा सुधार करना है तो जब तक कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं होगी. या चंडीगढ़ की जनता भी मान चुकी है कि ये इनको इनके बस की सत्ता नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं करते. और एक और आपको जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि जब कांग्रेस सत्ता से आउट हुई थी तो 564 करोड़ रुपया की FD छोड़ कर गई थी. आज की समय में रोज आप देख रहे हैं कि इनके पास अब मुलाजिमों को तनख्वाह देने के नहीं है. रोज कर रहे हैं लेकिन उद्घाटन तक ही सीमित है. कोई भी डेवलपमेंट शहर के अंदर में नहीं है. कोई ठेकेदार का ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं. तो अब तो चंडीगढ़ की जनता वक्त का इंतजार कर रही है और चंडीगढ़ की जनता ये मान चुकी है कि इनकी बस का नहीं है. बगैर बदलाव की और बगैर नगर निगम में कांग्रेस को आने के बजाय और कोई भी यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है जो चंडीगढ़ को चला सके. मेरे को जहाँ तक मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताता हूँ इसके बारे में, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को चंडीगढ़ में रहते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली पब्लिक को थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए. बिकॉज जैसे आप देखोगे आज भी चंडीगढ़ में लिटरिंग हर जगह मिलेगी आपको, लोग मिलेंगे आपको, कूड़ा मिलेगा चंडीगढ़ में अगर आप ध्यान से आप सर्वे करेंगे, हर जगह जाएंगे. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक की तरफ से है. जैसे पीछे स्लोगन चल रहे थे कि आप गीला अपना जो गार्बेज है अलग करो, सूखा अलग करो, ये चीज़ें पब्लिक को ध्यान रखनी है. बिकॉज देखो ना, ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं, वायरसेस फैल रहे हैं, इसी वजह से फैल रहे हैं. क्लीनिनेस नहीं है तभी फैल रहे हैं. अगर हम अपना ही ध्यान अपने यहाँ रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, ना मच्छर होंगे, ना प्रॉब्लम होंगे, ना ये वायरस होंगे, ना हमें फालतू कोई बीमारियों के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी अननेसेसरीली. वायरस तो सर आपने कहा, वायरस की बात करें, मच्छरों की बात करें, हाँ ये तो फिलहाल अब आया है. हाँ जी, हाँ जी. पहले हमारे चंडीगढ़ के लोग, अगर हम देखें, एक तबकों में बटा हुआ है चंडीगढ़. बिल्कुल बिल्कुल. हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास लोग और लो क्लास लोग. बिल्कुल सर. मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों के लिए ही साफ सफाई की समस्या आके खड़ी है. हाई सोसाइटी में तो फोन कर दिया, नगर निगम के 10 लोग खड़े हैं, पर यहाँ कैसी दिक्कत आ रही है जो मिडिल क्लास की गलियाँ हैं, जिस कूड़ा करकट फैला हुआ है. क्या सर, उनको ऐसा है, मोटिवेट करने की जरूरत है या उनको पनिश करने की जरूरत है? नहीं नहीं सर, प्रशासन को रोड पर आने की जरूरत है. नहीं, प्रशासन को तो रोड पे आना ही पड़ेगा, तभी ये काम शुरू होगा. पहली बात तो,
और सेकंड ये है कि कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से लेने पड़ेंगे अगेंस्ट द वायलेटर्स, ताकि ये चीज़ें दोबारा वो रिपीट ना करें। जिस इंसान का आप एक बार इस चीज़ों का चालान काट दोगे, मेरे को नहीं लगता वो लाइफ में कभी वो चीज़ें दोबारा रिपीट करेगा, और शायद दूसरों को भी समझाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें साफ सफाई मेंटेन करना। चालान काट दिए जाए, चालान कटते हैं, कई बार कटे हैं, कई ऐसे लोग हैं चालान काटने के बाद भी दोबारा करते हैं। अब इसका ट्रैफिक की तरफ ही घुमा दिया जाए, चंडीगढ़ में ट्रैफिक चालान कटता है लाइटों का, आदमी फिर दोबारा तोड़ता है, फिर दोबारा पे कर देता है। तो मैंने अपनी लाइन में स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि ये हमें अपने आप को ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हैबिट ही चेंज करनी पड़ेगी, कि आप जब तक अपने आसपास घरों के अंदर सफाई नहीं रखोगे तो बाहर तुम बहुत मुश्किल है करना। और रोड्स क्लीनिनेस मैंने कहा कि डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, डिपार्टमेंट पहली बार वॉर्न करे, दूसरी बार उसके अगेंस्ट एक्शन ले और पेनलाइज करे उसको। और जहाँ तक क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस देखो अब जैसे पानी है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पानी भी खड़ा होता है बरसात के टाइम पे, और पानी खड़ा होता है फिर ब्लॉकेज होती है और मच्छर और ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो ये MC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये ब्लॉकेज और ये प्रॉब्लम ना हों लोगों के लिए भी। मेरा नाम अनिल खन्ना। इसमें जो मेरे को लगता है, एक तो जैसे हम खुद, अगर मैं खुद की बात करूं, जैसे हम ड्राइव करते हैं तो एक तो डस्टबिन की उस हिसाब से प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है जिस हिसाब से चाहिए, कई बार मिलते ही नहीं है, कार से सामान देखना तो ढूंढना पड़ता है। और दूसरा जो सिटीज़न है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सफाई की तरफ देखें और उस हिसाब से चलें, प्लस जो अपने कमेटी म्यूनसिपल कमेटी के एम्प्लॉज हैं, कंसर्न हैं, वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान और काम की तरफ ध्यान दें, डस्टबिन साफ साफ रखें या सफाई हो, क्योंकि कई बार देखा ढक्कन उड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। MC की आपने बात की, तो MC की तरफ से जो ढील बरती जा रही है, चाहे वो डस्टबिन को लेकर हो, चाहे वो, अभी हमने कुछ लोगों से बीच में पहले बात की थी तो उन्होंने बताया कि जो डस्टबिन है या MC है उनकी तरफ से ढील है, जैसा कि आपने बताया, वो लग के, अगर कईयों का ओपिनियन ये भी था कि इस पर चार्ज लगाया जाए, अगर लोग कूड़ा फैलाते हैं तो उस चार्ज को बढ़ाएं, ऐसा चार्ज, जैसे चाहे आप लाइट तोड़ते हो वैसे आपको कितना दुगना चालान भरना पड़ता है, तो वैसे इस पर भी चालान अधिक होने चाहिए, तो कहाँ तक ये सहमत? यो मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिम्मेवारी बढ़ेगी तो उस हिसाब से होगा, बाकी चालान तो सोल्यूशन नहीं है, वो तो एक तरह से बंदे के ऊपर एक लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये नागरिकों की भी, इसके बीच में नागरिक जो सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, तो उनकी क्या राय होनी चाहिए और उनका क्या दायित्व होना चाहिए? दायित्व यही है कि वो सफाई की तरफ ध्यान रखें, बाकी जो है जितना भी अपना जो कोई अपना वो अपना जो कचरा वगैरह है, वो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जगह बनाई हुई है वहीं पर वो फेंकें। रवि राणा, चंडीगढ़ से ही हैं आप? हाँ जी सर। ये जो चंडीगढ़, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चंडीगढ़ 16वें नंबर पे आया, उससे पिछले साल चंडीगढ़ 20वें नंबर पे था, सन 2016 में चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे आया था। तो यहाँ पे तो चंडीगढ़ का जैसे आज के टाइम में देखा जाए, खासकर कॉलोनियों का कुछ ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पे। मैं सेक्टर 52 में रहता हूँ, तो वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर एक टीन शेड है, वहाँ पर जाके जो बंदे जिस तरह से रह रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परिचित उसमें रह रहे हैं, वहाँ के लेटरिन बाथरूम, हमारे सड़कों के पास में जो घास है, एक 10-10 फुट की घास हो रखी है, कोई साफ़ सफाई का कोई वो नहीं है। जहाँ जहाँ तक भी आपको चंडीगढ़ में कहीं भी चले जाओ आज के टाइम में, बस साफ़ सफाई तो बस एक नामात्र दिखना के बराबर दिखती है। चंडीगढ़ के जो कई बड़े सेक्टर हैं जिन्हें VIP सेक्टर्स भी कहा जाता है, उसमें देखा जाता है कि हाँ भाई, उन एरियों में MC की तरफ से साफ़ सफाई रखी जाती है। जो चंडीगढ़ के पिछड़े इलाके हैं, छोटे तबके के जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ गरीब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे कचरा फैला हुआ है, रोडों पे फैला, उसमें कहीं ना कहीं लोग भी जो फैलाते हैं उन्हें, वो कहाँ तक जिम्मेदार है? लोग वहाँ तक जिम्मेदार है कि जैसे कि अब बड़े लोग होते हैं, वो तो हाई सोसाइटी में रहते हैं, जिनको एजुकेटेड होती है, वो जाके अपने MC से मिल लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनकी ज़्यादातर जो आजकल की सरकार है कि
जिसकी ज़्यादा दिखती है तो उन्हीं की साइड वो करते हैं, जो पिछड़ी जाति के उन्हें तो बस जिस दिन वोट चाहिए होता है तब आ जाते हैं वोट मांगने, उसके बाद उन्हें पूछते नहीं कि जिंदे हैं ये मर रहे हैं किस तरह किस परिस्थिति में रह रहे हैं। तो वो जहाँ तक जहाँ पर उन्हें लगता है कि कॉलोनी वाले को, उनको तो अनपढ़ भी होते हैं कुछ, वैसे पढ़े लिखे भी होते हैं, जहाँ तक उनको लगता अपनी करना तो वो कर देते हैं वहाँ पर। मगर जो साफ़ सफाई के मामले में जहाँ पर जो जैसे उन्हें माहौल दिखता है वैसे करते हैं वो। पहले तो आपका नाम? मेरा नाम विनोद है जी। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है इसमें कहीं ना कहीं। अब जो पहले था चंडीगढ़ में जो काम होता था वह वो नहीं हो रहा है, मतलब काफ़ी चेंजेस आ गए पहले से। जैसे मतलब कभी अगर कोई रोड ख़राब भी जाती तो रातों रात सही हो जाता था, अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं। कहाँ प्रशासन चूक कर रहा है? प्रशासन चूक कर रहा है उसका तो क्या कह सकते, पर कहीं ना कहीं कर रहा है चूक। अगर हमें दोबारा से 10 से नीचे रैंक करना या पहले नंबर पे आना है तो क्या करना चाहिए? देखो प्रशासन को तो करना ही चाहिए, साथ के साथ हमें खुद भी करना चाहिए, खुद भी हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। बाकी जैसे पहले लोग थे वो रहने के, खुद भी रखना पड़ेगा ना सफाई, तभी हो पाएगा। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि चंडीगढ़ नगर निगम की क्या कारण है, जो कहाँ चूक कर रहा है। मतलब सीधी बात है कि चंडीगढ़ नगर निगम कहाँ चूक कर रहा है, किन चीज़ों को लाना चाहिए किन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए जिनकी वजह से चंडीगढ़ फिर से अव्वल नंबर पर आ सके। तो पहले आपका नाम? मेरा नाम मनीत है जी। मेन बात ये है कि पहले जो था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन खुद डिसीज़न लेता था, अब चंडीगढ़ के डिसीज़न ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा सरकार मिलकर ले रही। अगर खुद का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होएगा, जब तक खुद का नहीं होएगा कुछ तो कैसे डिसीज़न होएगा? डिसीज़न नहीं ले पा रहा कोई, एक डिसीज़न लेने में चूक हो रही है। अभी जैसे मैंने देखा था विधानसभा का, पंजाब के 60% शेयर हैं और हरियाणा के 40% है, जबकि यहाँ पे देखा जाए बिल्डिंग विधानसभा की उसमें दिखा रहे हैं कि 27% सिर्फ हरियाणा के लोग रह रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादातर पंजाब के लोग रह रहे हैं। तो मेन एक कारण ये भी है कहीं ना कहीं, देखिए चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा भी अपना हक जमाता है, पंजाब भी अपना हक जमाता है, इसको लेकर इन दोनों की हक जमाई की वजह से चंडीगढ़ सफ़र कर रहा है, चंडीगढ़ सफ़र कर। तो इन दोनों सरकारों को, इन दोनों स्टेट की सरकारों को क्या करना चाहिए, किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि चंडीगढ़ के ऊपर ध्यान दे पाएँ? तीनों को डिसीज़न अपने लेके एक डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न लेना चाहिए, एक फ़ाइनल डिसीज़न मेकर होना चाहिए जो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिले और चंडीगढ़ कुछ वेल डेवलप हो सके। पहले जो था चंडीगढ़ का एक फ़ाइनल डिसीज़न मेकर था, अब जो कि वो बहुत कम रह गया है। फाइनल डिसीज़न मेकर ना होने की वजह से यहाँ पे जो है इतनी दिक्कत हो रही है, डेली की डेली ये नीचे जा रहा है, रैंक बढ़ता जा रहा है इसका। अगर हम चंडीगढ़ की जनता की बात करें तो चंडीगढ़ की जनता को क्या खास ख्याल रखने चाहिए कि हम दोबारा से अपना पाँव उस क्लीनेस्ट सिटीज़ के जो टॉपेस्ट लाइन है उसके अंदर बरकरार कर रख सकें? चंडीगढ़ की जनता को भी सहूलियत बरतनी भी चाहिए, जैसे पहले बरतती थी, बहुत बरतती थी, लेकिन अब उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। बाहर के लोग आके रहते हैं यहाँ पे, तो रहते हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए उस हिसाब से। अभी चंडीगढ़ में जो पढ़ाई के नाम पर लिया जाए कि चंडीगढ़ में अधिकतर लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, है तो इतने पढ़े लिखे लोगों के बावजूद कहाँ पढ़ाई लिखाई इस साफ सफाई के ऊपर चूक खा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई में चंडीगढ़ नंबर वन है, साफ सफाई में भी नंबर वन था, दोबारा नंबर वन आएगा। इसी चंडीगढ़ की जनता को सोचना चाहिए, करना चाहिए साफ़ सफाई का। जब तक हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि चंडीगढ़ के विभिन्न एरियों से लोगों ने बताया कि चंडीगढ़ में साफ़ सफाई को लेके कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, वहीं चंडीगढ़ के जो MC है उनको भी कई चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।